नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पंडित, आप सभी को स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हो, आपको आपके करियर के बारे में अच्छे अच्छे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे दोस्तों। ओके, मैंने बहुत सारे अच्छे वीडियोस बनाए हैं जिसमें अगर आप कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हो, आपके करियर के बारे में अगर कंफ्यूज हो तो वहां पे आपको आपके आंसर मिल सकते हैं दोस्तों, तो वीडियो जाके देख लेना दोस्तों। तो आज का वीडियो भी दोस्तों एकदम स्पेशल बनने वाला है, क्योंकि आज भी एक बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं मैं दोस्तों। आपको पता ही है कि 12 की जो एग्जाम कैंसिल हो गई थी, अभी रिजल्ट भी लग गया है उसका, है ना। तो अभी स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है करियर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भैया क्या करना चाहिए, खास करके जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए आज वीडियो है दोस्तों। ओके, तो हम इसी पे बात करने वाले हैं। आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टार्ट टू एंड तक आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, आपको बढ़िया जानकारी यहां से मिल जाएगी। ओके, तो हम खास करके बात करेंगे कि जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमको इंजीनियरिंग करना है, और खास करके वो स्टूडेंट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर और मुझे 8 इयर्स का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। तो मैं आज जो बातें शेयर करने वाला हूं आपके साथ में, तो वो सारे दोस्तों जिन्यून बातें रहेंगे। ओके, जो एक्चुअल इंडस्ट्री में चल रहा है, फैक्ट जो है वो मैं बताने वाला हूं आपको, तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। ओके, तो अगर आप सोच रहे हो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर करना है, उसमें करियर करना है, तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना सही है या नहीं, ये भी आपको आंसर आज मिल जाएगा। ओके, अगर करना चाहते हो, कहीं पे एडमिशन मिलती है, तो आपको क्या करना होगा जिससे आपको आपके करियर में अच्छी ग्रोथ मिले, अच्छा आपको जॉब मिल जाए, मेन बात तो वही है ना, अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है आपने 4 साल का, तो अच्छी आपको जॉब कैसे मिलेगी, आपको इसे क्या करना है। ओके, ऐसे बहुत सारे सवाल के जवाब को मिल जाएंगे दोस्तों। तो हम पहले बात करेंगे कि यस, अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो पहली जो बात है, अगर आप देखोगे जो बड़ी बड़ी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ओके, वहां पे उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। खास करके मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात कर रहा हूं, वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली अगर आप रेप्यूटेड कॉलेज नहीं भी है, फिर भी वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ ज्यादा ही रहता है सारे ब्रांचेस से। ओके, उसके बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ज्यादा हो सकता है, बाकी इलेक्ट्रिकल है। तो एक्चुअली कट ऑफ अगर आपको अच्छे परसेंटेज है, ओके, सीटी में अच्छे मार्क्स है, आपको जेडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें अगर अच्छे मार्क्स है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। ओके, बाकी कट ऑफ तो हाई लगता है। ओके, और अच्छी आप ऑटोनॉमस कॉलेज की अगर बात करेंगे, तो वहां पे तो भैया आपको कट ऑफ तो बड़ा ही लगने वाला है, आपको अच्छे परसेंटेज भी चाहिए, आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए जेडब्ल्यू में या जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें, तो ही आपको वहां पे एडमिशन मिलेगी दोस्तों। दिस इज द फैक्ट। ओके, तो समझो आपको एडमिशन मिल गई, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई, और ट्राई करना दोस्तों कि आपको अच्छी रेप्यूटेड कॉलेज में ही एडमिशन मिले इंजीनियरिंग को, क्योंकि बता दो कि एक्चुअली वो एटमोस्फियर जो है आपका वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है दोस्तों। अगर आप करियर करना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, खास करके इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे, तो भैया कॉम्पिटिटिव बहुत कॉम्पिटिशन है दोस्तों, बहुत मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गई है। अगर आप देखोगे तो इंजीनियर्स को अभी ज्यादा मतलब ऐसा कहते हैं कि इंजीनियर्स को नौकरी भी नहीं मिलती है बीई पास आउट होने के बाद, बीई बीटेक जो भी है ना, तो नौकरी नहीं मिलती है, तो इसके पीछे रीजंस है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि किसी को इंजीनियरिंग पास में किसी को नौकरी नहीं मिलती, ऐसा नहीं है, उसके पीछे रीजंस है। तो अगर आप, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, ओके, तो आप वो देख लेना। और दूसरी बात ये सबको ट्राई करना है कि आपको रेप्यूटेड कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। ओके, वो क्योंकि आपके करियर को ग्रोथ, आपके करियर की ग्रोथ के लिए वो बहुत तो मतलब आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि आगे जाके कॉलेज का नाम भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द फैक्ट। आपने किस कॉलेज में से इंजीनियरिंग की है, कहां से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, आपकी कॉलेज रेप्यूटेड थी या नहीं, ये सारे मतलब ये फंडे देखे जाते हैं दोस्तों। इंटरव्यू के टाइम पे देखे जाएंगे, आपका जब शॉर्ट लिस्टिंग होगा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वहां पे जब शॉर्ट लिस्टिंग होता है, तो वो लोग ये देखते हैं दोस्तों कि भैया ये कौन से कॉलेज में से इसने किया है, है ना। जैसे अगर कोई टामटूम कॉलेज से किया होगा तो थोड़ा सा आपको मुश्किल का सामना फेस करना पड़ सकता है। वो लोग शॉर्ट लिस्टिंग करते समय देखते हैं कि भैया इसकी कॉलेज कौन सी थी, खास करके है ना रेप्यूटेड कॉलेज होगा तो बहुत अच्छा है दोस्तों, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अगर रेप्यूटेड कॉलेज नहीं तो वहां से नहीं करना है इंजीनियरिंग, लेकिन अगर आपको अच्छी परसेंटेज है तो उसका फायदा आपको उठाना है, आपको ट्राई करना है कि अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिले। क्योंकि क्या होता है कि बड़े बड़े कॉलेज में प्लेसमेंट भी हो जाते हैं, और अगर आपका प्लेसमेंट होता है इंजीनियरिंग के बाद में, 4 साल के बाद में अगर आपके इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो बहुत बढ़िया अच्छी बात है आपके लिए। यस, प्लेसमेंट होना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि फास्ट ग्रोथ होने लगती है। एक बार अगर प्लेसमेंट हो गया, इंडस्ट्री में चले गए बी बीटेक पास होने के बाद तुरंत बाद, तो आपको ग्रोथ बहुत फास्ट मिलती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। ओके,
तो ये हो गया, गुड परसेंटेज चाहिए आपको, ओके आपकी कॉलेज भी रेपुटेड होनी चाहिए, नहीं है तो भी चलेगा कोई बात नहीं, वो अच्छा आपका अगर करिकुलम आपका अच्छा है एकेडमिक करिकुलम तो वो भी आपको फायदा होगा दोस्तों, ओके ये हो गया। यस बाद में अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको एडमिशन मिल गया, अच्छे कॉलेज में मिल गया, तो आपको मशीन डिजाइन में ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों। यस क्योंकि इंडस्ट्री में जाने के बाद में मैकेनिकल इंजीनियर बिलोंग्स टू मशीन डिजाइन ओनली, है ना, दिस इज द फैक्ट, ओके। तो आप मशीन डिजाइन पे ज्यादा फोकस करना। और दूसरी जो बात है मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी जॉब मिल जाए तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं दोस्तों। पहली जो बात है, अगर आप इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में, सुनो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो लास्ट ईयर में हो और अच्छा जो करियर है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर में जल्दी ग्रोथ चाहते हो दोस्तों तो वो है डिजाइन फील्ड। यस अगर आप डिजाइन फील्ड में अगर आपको जॉब मिल जाती है दोस्तों तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। यस डिजाइन फील्ड की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, या और लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं आपको डिजाइन में जॉब मिल जाएगा दोस्तों। कंपनी सोचती है डिजाइन के बंदे अच्छे होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए, ये सब कंपनी देखती है जॉब देते समय। तो आपको क्या करना है, अगर आप फाइनल ईयर में हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, बीटेक बी बीटेक की जो भी है फाइनल ईयर में है, तो आपको दोस्तों आप कोर्स लगा सकते हो। बहुत सारी इंस्टीट्यूट है ना जो कैड कैम के कोर्सेस सिखाती है दोस्तों, है ना, क्योंकि डिजाइन फील्ड में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको कैड कैम के सॉफ्टवेयर आने चाहिए दोस्तों। यस यही एक्चुअली यूज किया जाता है। मैं अगर आप कैड कैम की बात करूं तो अगर फील्ड में, अगर कंपनी में हम देखेंगे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है तो वहां पे सॉलिड वर्क्स यूज होता है, सॉलिड एज यूज होता है, कटिया यूज किया जाता है, एनएक्स यूज किया जाता है, और उसके बाद में है प्रोई यूज किया जाता है। ये सारे बेसिक कैड सॉफ्टवेयर है ना जो यूज होते हैं दोस्तों। तो अगर आप हो सके तो आप ये बी बीटेक के फाइनल ईयर में ही सीख लेना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आपके लिए, आपके करियर के लिए। कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स लगा लो या कोई भी क्रैश कोर्स है जो भी है, मतलब कैडकैम पे अगर कोई कोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं आप साइड बाय साइड आपका एकेडमिक पर भी ध्यान दो आपका, और साइड बाय साइड ये कोर्सेस भी कर लो, उसकी प्रैक्टिस भी करो, है ना। बस ऐसा नहीं कि कोर्स कर लिया सर्टिफिकेट मिल गया बस हो गया, उसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस भी रखो, उसमें थोड़ा सा नॉलेज लेने की आदत डाल लो और अच्छे से सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर लो। कोई भी चाहिए तो आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले सकते हो, है ना। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको कटिया अच्छी तरह से आना चाहिए, है ना, ये बहुत बड़ी बात है, किसी को मालूम नहीं होता है। कटिया अगर आप सीखते हो तो आपको ऑटोमोबाइल में बहुत सारे चांस है दोस्तों। ऑटोमोबाइल है, प्रोई है, प्रोई भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंजीनियर डिजाइन के लिए वगैरह, है ना। कटिया एनएक्स भी यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, प्रोई यूज किया जाता है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो, ओके। और अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाना चाहते हो दोस्तों, ओके, तो आपके लिए सॉलिड वर्क्स अच्छा रहेगा सॉफ्टवेयर, सॉलिड एज सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा, है ना। तो उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई आपको आगे जाके कौन सी फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है, ऑटोमोबाइल में बनाना है या ऑयल एंड गैस में बनाना है। तो आप करियर की बात करेंगे, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर कर रहे हो तो आपको बता दूं कौन कौन सी फील्ड है। एक तो आप रोबोटिक्स में जा सकते हो, है ना, बाद में आप ऑटोमोबाइल में जा सकते हो, उसके बाद में ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस इज ऑल्सो गुड सेक्टर, है ना, ऑयल एंड गैस में आप जा सकते हो, बाद में है फार्मास्यूटिकल में आप जा सकते हो, है ना। बाकी प्लास्टिक इंडस्ट्री है, अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाना था तो वहां भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके जा सकते हो। और दूसरा जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहां भी आप जा सकते हो। तो मतलब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आपको बहुत स्कोप है दोस्तों, जॉब मिलेगी। यस बहुत सारे सेक्टर्स में आप जा सकते हो, है ना, बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। बाकी दूसरे ब्रांचेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी लेकिन वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की है बी बीटेक तो आपको स्कोप तो अच्छा मिलने वाला है। हर एक इंडस्ट्री में दोस्तों स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, बस आपको ये दो तीन कदम उठाने हैं, है ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करनी है। ग्रेजुएशन तो होगा ही आपका, इंजीनियरिंग तो होगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलम यूज करते हो, है ना, एक्स्ट्रा कुछ सीखते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इंटरव्यू को भी अगर आप बताओगे उनको कि भैया मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है, है ना, ये सारे कोर्सेज भी किए हैं कैड के, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा दोस्तों, ओके। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात है कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो आप कौन कौन सी फील्ड में जॉब कर सकते हो, ऐसी इंडस्ट्री में कौन कौन सी फील्ड है जहां पे मैकेनिकल इंजीनियर को हायर किया जाता है। तो पहला जो है वो है प्रोडक्शन इंजीनियर, एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर आपको हायर कर सकते हैं, है ना। प्रोडक्शन इंजीनियर का काम क्या होता है, जाके वर्कशॉप में आपको काम मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग शॉप जो होता है इंडस्ट्री में, है ना, समझो कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, है ना, तो वहां पे आपको मशीन शॉप में आपको जॉब मिल सकता है, एज ए सुपरवाइजर मिल सकता है। खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए तो आपको एज ए सुपरवाइजर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा मैकेनिकल शॉप का जो डिजाइन का हो या प्रोडक्शन का है, जो भी सब डिटेल जो है वो आपको देखना पड़ता है, सारा नॉलेज आपको वहां पे मिल जाएगा प्रोडक्शन इंजीनियर में। दूसरा जो है डिजाइन इंजीनियरिंग, तो डिजाइन इंजीनियरिंग भैया एकदम बढ़िया फील्ड है,
आई एम ऑल्सो डिजाइन इंजीनियर ओके, तो मैं इसमें बता दूं स्कोप आपको बहुत है डिजाइन में फिर ओके। अभी प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको शिफ्ट में काम करना पड़ेगा है ना, दो शिफ्ट हो या तीन शिफ्ट हो वहां पे आपको शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, लेकिन डिजाइन इंजीनियरिंग में वैसा नहीं होता है ना। आपको अगर आप डिजाइन फील्ड में अगर घुस जाते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके या फिर आपको वहां पे जॉब मिल जाती है दोस्तों, तो आपके बस जनरल शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा ओके। और डिजाइन फील्ड ऐसी फील्ड है वहां पे ग्रोथ बहुत फास्ट मिलती है दोस्तों, यस एज कंपेरेटिव दूसरे जो फील्ड है जैसे कि मैं बता रहा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, और इसके बाद में है क्वालिटी इंजीनियरिंग ओके, क्वालिटी इंजीनियर करके भी आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, बाद में मेंटेनेंस इंजीनियर एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर भी आपको सिलेक्ट कर सकते हो ओके, बाद में सेल्स इंजीनियर अगर सेल्स में आपको करियर बनाना चाहते हो तो भी आपको वहां पे मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, यस। तो हम बात कर रहे थे कि डिजाइन इंजीनियर, तो अगर आप डिजाइन इंजीनियर में आपको अगर जॉब मिल गई तो वहां पे दोस्तों अच्छा ग्रोथ आपको मिल जाता है। जैसे जैसे आप सीखते जाते हो मशीन डिजाइन अगर आप सीख गए ओके, आप अलग अलग सॉफ्टवेयर सीख गए जैसे मैंने बताया कि कटिया सीख गए, सॉलिड है, सॉलिड वर्क जो भी है, अगर आप 3D सॉफ्टवेयर सीख गए, कैम सॉफ्टवेयर भी होते हैं दोस्तों, मास्टर कैम वगैरह है, अगर आप कैम सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज आ गया ओके, आपको CNC वगैरह का BMC वगैरह मशीन से उसका अगर आपको नॉलेज आ गया तो आप डिजाइन फील्ड में बहुत ग्रो कर सकते हो दोस्तों, बहुत बढ़िया चांस है डिजाइन फील्ड में जाने का। बस आपको आपके पास में कुछ प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब आप जब पास आउट होते हो BE/BTECH फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए ओके। तो आपको नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर्स का, डीप नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो ये सारे सॉफ्टवेयर्स के सीख के। आजकल तो यूट्यूब पे कितना सारा नॉलेज मिल जाता है आपको, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे है ना, कैसे सीखना है हर एक सॉफ्टवेयर का आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा ओके। आप खुद डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप पे और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप 6 महीने भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरह से इन सॉफ्टवेयर की तो आप अच्छे तरह से सीख जाओगे, तो आपको जॉब अगर जॉब भी वही फील्ड में आपको मिल सकती है ओके। तो ये आप सब डिसाइड करो कि आपको एक्चुअली कौन से डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, मैकेनिकल प्रोडक्शन में करना है, मेंटेनेंस में करना है, आपको डिजाइन में जाना है ओके। तो मैं तो मेरे तरफ से कहूंगा कि आप ट्राई करिए कि आपको डिजाइन फील्ड में जॉब मिल जाएगा दोस्तों, यस। बाकी फील्ड भी अच्छी है लेकिन डिजाइन फील्ड में ग्रोथ अच्छी है, मैं जनरली आपको बता रहा हूं फैक्ट जो है, अगर आप फटाफट ग्रोथ चाहते हो है ना, आपको अच्छी आपको लगता है कि भाई मेरी अच्छी सैलरी हो, जल्दी जल्दी मेरी सैलरी बढ़े, तो डिजाइन इंजीनियर इज बेस्ट फील्ड ओके। तो ये बात आप नोट कर लो ओके। तो दूसरी बात जो है कि हाँ यस, आप सिमुलेशन में भी आपका करियर बना सकते हो, सिमुलेशन में बहुत रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये तो कैड कोर्सेज तो मैंने बता दिए ओके, कैड कोर्सेज की रिक्वायरमेंट तो होती है लेकिन सिमुलेशन इंजीनियर की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में। सिमुलेशन मानेगी एनसीएस वगैरह जो है आपको सिमुलेशन एनालिसिस करके आना चाहिए, तो ये जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है वो अगर आता है आपको, अगर आप सीखते हो ओके, अगर आपने उसका कोर्स किया है आपने बाहर से या कोई सर्टिफिकेशन किया है या ऑनलाइन कोर्स किया है, जो भी आपको अच्छी तरह से पता है सिमुलेशन किस तरह से किया जाता है, तो आप दोस्तों बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो उसमें एज ए सिमुलेशन इंजीनियर। अगर आपको हायर कर लिया किसी कंपनी ने, हर एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए सिमुलेशन इंजीनियर को सिलेक्ट किया जाता है, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों है, तो आपको देखना है, आप बस डिसाइड कर लो कि भैया यस मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है ओके, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद में मुझे कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, किस फील्ड में काम करना है, इंडस्ट्री में काम करना है या लेक्चरशिप करना है आपको, तो अगर आप लेक्चरशिप करना चाहते हो तो आपको इस बात की जरूरत नहीं, कैडकम सीखने की जरूरत नहीं है, जो भी है मतलब है ना, आप सिंपली BE/BTECH पास आउट कर सकते हो और उसके बाद में आपको फिर MA भी करना पड़ेगा, उसमें मास्टर डिग्री तो लेनी पड़ती है अगर आप लेक्चरशिप करना है, तो वो भी एक दैट इज आल्सो गुड ऑप्शन ओके लेक्चरशिप करना। लेकिन मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ खास करके, अगर आप इंडस्ट्री में ग्रोथ पाना चाहते हो है ना, पहले इंजीनियर फिर मैनेजर फिर डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे लेवल्स है ना, सीनियर इंजीनियर वगैरह जो भी है, जल्दी जल्दी आप बढ़ना चाहते हो आगे, तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए है ना। मेनली डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो ये सारे सॉफ्टवेयर आप सीख लो, फाइनल ईयर में सीख लो, टाइम होता है अपने पास में है ना, आप 2-3 महीने का कोर्स कर सकते हो, उसके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो और आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो दोस्तों ओके। तो इस तरह से अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर करना चाहते हो तो आपको ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे दोस्तों है ना। और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप प्रोडक्शन में जाओगे, BE/BTECH आपने पास कर लिया, अगर प्रोडक्शन में आपको जॉब मिली तो वहां पे सैलरी दोस्तों कम होती है ना, आपको हो सकता है कि 10,000 मिल जाए अगर आपकी कॉलेज रिप्यूटेड नहीं है ना, तो आपको पहले तो 10,000 या 15,000 ज्यादा से ज्यादा 20,000 इसमें ही काम करना पड़ेगा दोस्तों है ना। यस, अगर आपका प्लेसमेंट होता है, अच्छी कॉलेज है आपकी है ना, अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो वहां पे फिर आपको हो सकता है कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए, प्रोडक्शन मिले, डिजाइन मिले, क्वालिटी मिले, जो भी है, लेकिन आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाती है ना, अगर अच्छी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आपको हायर करती है तो। लेकिन आपका अगर प्लेसमेंट नहीं होता, अगर आप बाहर से जॉब ढूंढने जाओगे ना, तो आपको क्या कहिए कि आपको 10,000-15,000 का जॉब स्टार्टिंग में करना पड़ेगा एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर है ना। लेकिन बात मैं बता दूं कि अलग अगर आप दूसरे बैंक से कंपेयर करोगे तो मैकेनिकल इंजीनियर को जॉब मिलती ही है दोस्तों, वो कोई भी अगर पहले तो कम सैलरी में मिल सकती है लेकिन जॉब मिलेगी, दैट इज 100% गारंटी। और दूसरा जो है
अगर आप डिजाइन फील्ड में अगर आपको जॉब मिलती है दोस्तों तो स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी मिल जाती है दोस्तों। यस, मल्टीनेशनल कंपनी में तो भैया बढ़िया सैलरी मिलती है दोस्तों, 20,000-25,000 सैलरी मिलती है अगर आपने प्रॉपर सर्टिफिकेशन किया है ना। जो इंस्टीट्यूट होते हैं कैडकैम गुरु वगैरह जो भी है ना, कैडकैम के कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले, वहां से अगर आपने प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स किया है और वहां से अगर आपको प्लेसमेंट हो गया, अच्छी जॉब मिली, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, 20-25,000 सैलरी स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगी एज फ्रेशर है ना। बाद में तो भैया अच्छी ग्रोथ मिलती है। फिर अगर आप जिस तरह से कंपनी चेंज करोगे, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके बाद में आप कंपनी चेंज करोगे, फिर वहां पे 3-5 साल निकालोगे, फिर आप कंपनी चेंज करोगे, तो इस तरह से आपकी सैलरी बढ़ते जाएगी, डिजाइन में जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाती है ना। तो इस तरह की सैलरी आपको मिल सकती है। बाकी क्वालिटी इंजीनियर भी, एज ए क्वालिटी इंजीनियर भी आप अच्छी सैलरी पा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा मतलब लेस सैलरी में आपको काम करना पड़ेगा ना, 15-20 हज़ार रुपए। तो इस तरह से आप अपना करियर जो है वो आगे बढ़ा सकते हो, बस आपको डिसाइड करना है कि भैया कौन सी फील्ड में जाना है। बट मैकेनिकल इंजीनियर इज द बेस्ट ब्रांच, ओके मैं बता दूं दोस्तों, बहुत बढ़िया ब्रांच है। अगर आप दूसरी ब्रांचेस के बारे में सोच रहे हो, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद में अगर आप दूसरी ब्रांचेस के बारे में सोच रहे हो, तो वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, आपको मैकेनिकल नहीं करना है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन है ना। तो उस पर हम थोड़ा सा बाद में बात करें, दूसरे वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है, क्या कैसे करना है ना। तो अभी मुझे तो लगता है मैंने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में है ना। तो आपके फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो है ना, कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये सारी बातें है ना। बाकी इंजीनियरिंग में तो अच्छा स्कोप है दोस्तों, बस आपको कुछ स्टेप्स आपकी तरफ से उठाने होंगे है ना। और मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंजीनियरिंग को, इंजीनियर्स को जॉब क्यों नहीं मिलती है, कुछ कुछ इंजीनियर जो है जिनको इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब्स क्यों नहीं मिलती है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो जाके देखिए दोस्तों, उसमें मैंने बताया, प्रॉपरली बताया कि भैया जॉब न मिलने के पीछे कौन कौन से कारण है, क्यों जॉब नहीं मिलती है ना। आपने बीटेक तो कर लिया 4 साल के लिए, जॉब क्यों नहीं मिलती, तो उसके पीछे रीजन है, इसीलिए नहीं मिलती है ना। ऐसे नहीं भैया कंपनी वाले जॉब नहीं देते इंजीनियर्स को, कुछ रीजंस होते हैं ना। तो वो आप वीडियो जाके देखना, पक्का देखना, आपको यहाँ पे लिंक दिख रहे होगी उस वीडियो की है ना। बाकी अगर ये वीडियो आपको कैसे लगा है ना, ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियोज आपके लिए लेकर आऊंगा आपके करियर के बारे में और जो भी है। ओके, तो आपको अच्छी अच्छी वीडियोज यहाँ पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके, तब तक बाय बाय।